डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सरसों का साग बनाने जा रही हूँ। साग एक ऐसी चीज़ है जो टेस्टी तो सबको लगती है, लेकिन उसे बनाना एक बहुत बड़ा झंझट लगता है। तो आज मैं जिस ढंग से साग बनाऊंगी, इसे देखने के बाद आपको साग बनाना बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा कि आप इसे रोज बना सकते हैं और टेस्टी इतना लगेगा क्योंकि मैं इसे बेसन के साथ बनाने जा रही हूँ बिल्कुल नए स्टाइल से। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सरसों का साग बनाने के लिए हमने लिया है 20 से 25 कलियां लहसुन। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो लहसुन है वो ज़्यादा डलता है सरसों के साग में। ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये इसे मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 1 प्याज है, ये मैंने लंबे टुकड़ों में काटा है। और 8 से 10 हरी मिर्च है, आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और ये है हींग का टुकड़ा। और 1 चम्मच नमक लिया है। और ये मैंने साग को काट लिया है। साग के अंदर मैंने 700 ग्राम लिया है सरसों और 300 ग्राम पालक और थोड़ी सी बिल्कुल मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी मेथी चाहिए फ्लेवर के लिए, ज्यादा नहीं डालनी कड़वा हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जब हमने इसको काट लिया है, आप देख सकते हैं कि सरसों के साग की जो ये डंडियां होती है इसे भी हम काट के बीच में डालते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरसों के साग की डंडियों को काट के फेंक देते हैं, पत्ते पत्ते लेते हैं, लेकिन वो साग जो है टेस्टी नहीं बनता। अब हमने करना क्या है, एक छलनी लेंगे, ये मैंने छलनी ली है। साग को हमेशा छलनी में धोना, अगर आप बर्तन में धोते हो तो खुले बर्तन में 4 से 5 बार कम से कम धोना पड़ेगा। बर्तन के अंदर पानी डालो, उसके अंदर साग डालो, ऊपर ऊपर से साग निकाल के साइड पे रख लो, पानी को गिरा दो, फिर नया पानी लो, फिर साग को बीच में डालो, ऊपर ऊपर से धो के साग को निकाल दो, नीचे का पानी फिर गिरा दो। उसमें क्या होता है कि इसमें जो रेत होती है साग के अंदर या मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है। अक्सर लोग कहीं क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी के अंदर साग डालते हैं और इस तरह से करके पानी निकाल देते हैं, जो मिट्टी होती है वो बीच में ही रह जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो साग के अंदर मिट्टी मिट्टी या रेत रेत का टेस्ट आता रहता है, तो उसका कारण है उसका ठीक तरह से ना धोना। लेकिन सबसे आसान तरीका कि आप कोई भी छलनी लें, छलनी में थोड़ा थोड़ा साग डालें, उसको वॉश करते जाएं और कुकर में डालते जाएं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी। इससे क्या होता है, जो रेत होती है वो छलनी में से बाहर निकल जाती है और साग जो है वो साफ हो जाता है। इस तरह से हम साग को धोएंगे, थोड़ा थोड़ा करके धोएंगे और साग के साथ कुकर में डालते जाएंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दी है और इस तरह से हम साग को कुकर में डालेंगे। इसी तरह से बाकी साग को भी हम थोड़ा थोड़ा करके धोएंगे। ये मैंने पूरे साग को कुकर के अंदर डाल दिया, आप देख रहे हैं कुकर भर गया है, लेकिन फ्लेम ऑन है। 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि साग जो है नीचे जाना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर ही साग कितना नीचे चला गया। तो 2 मिनट बाद हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। बंद करके हमने एक विसल दिलवानी है। एक विसल आने के बाद, यानी हाई फ्लेम पे एक विसल दिलवाएंगे। एक विसल आने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। विसल आने के बाद फ्लेम हमने लो कर दिया है, आधा घंटा अब इसको छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद हमने फ्लेम बंद करनी है और इसको ऐसे ही एज इट इज पड़े रहने देना ताकि स्टीम अपने आप निकले। आधे घंटे के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, अब हम इसको खोल के देखते हैं। स्टीम अपने आप निकल चुकी है। स्टीम निकलने के अंदर भी 10 मिनट लग गए हैं, पूरी तरह से स्टीम निकल चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये बिना तड़के का साग ये कैसा है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम इसके अंदर आधा कप डाल रहे हैं बेसन। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मक्की का आटा डालते हैं, लेकिन आप एक बार बेसन डाल के भी बनाना तो आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी ये बनता है। कई बार मक्की का आटा घर में नहीं भी पड़ा होता तो बेसन तो हर टाइम घर में होता है, तो आज हम बेसन से इसको बनाएंगे। इसमें हम चलाएंगे ब्लेंडर, ये हमने साग को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ब्लेंड कर लिया है। इस टाइम साग के अंदर आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है, अगर आपको नमक मिर्च कम लगता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे एक बार फिर रख देना। लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जो हमने इसके अंदर बेसन डाला है वो अच्छे से पक जाएगा। 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे, 10 से 15 मिनट हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। 15 मिनट से मैंने इसको ढक के रखा था, 15 मिनट के लिए इसको ढका इसलिए था क्योंकि अगर हम इस ढक्कन को खोलते हैं तो इसके छींटे बहुत ऊपर तक जाते हैं, आपकी पूरी किचन खराब हो जाएगी। तो इसको हमेशा बाद में जब हमने करना है तो इस तरह से ढक्कन को बंद करके रखें, ऊपर से ढक के। तो 15 मिनट हो गए हैं, फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। अच्छे से ये साग पक के तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप
15 मिनट की बजाय 5-7 मिनट ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में इसको हिलाते रहे ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये हमारा पंजाबी साग बन के तैयार है बेसन के साथ। आपने बेसन के साथ कभी नहीं खाया होगा, मक्की के आटे के साथ तो खाया होगा। तो बेसन डाल के ये बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे बिना तड़के के इसी तरह भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें मैंने डाल रखी है। लेकिन अगर आप तड़का लगाना चाहें तो आप इसको तड़का लगा के भी खा सकते हैं, टमाटर और प्याज का तड़का या खाली टमाटर का तड़का, तो बहुत ही टेस्टी ये साग बनके तैयार होता है। उम्मीद है आपको ये साग बनाने की विधि जो है पता चल गई होगी, बहुत इजी तरीका है। आप इसको जब दिल करे तभी बना के खा सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कुकर में साग बनाने को, और बहुत टेस्टी बनेगा। आप इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।